साथियों, आप सभी का अपने परिवार महतो सर के चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग JNV के लिए एक मेंटल एबिलिटी सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो पूरे प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होगा, जो हमारा एकदम टारगेट्स पूरी तरह से टारगेट होगा JNV एग्जाम्स का, जिससे आपको अगर सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है क्वेश्चंस का मेंटल एबिलिटी का होता है JNV टेस्ट एग्जाम्स में, तो मेंटल एबिलिटी में अगर आपका ज़्यादा नंबर्स आता है तो आपका जो सिलेक्शन का चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो आइए हम लोग बेस्ट तरीके से मेंटल एबिलिटी का प्रिपरेशन करें। जैसे फर्स्ट इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस मिलेगा, इसमें डायरेक्शन दिया रहेगा। जैसे यहाँ डायरेक्शन दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन होगा। इसमें आपको क्या क्या करना रहेगा कि 4 फिगर्स दिया रहेगा, जिसमें से किसी भी लॉजिक से जो 3 फिगर्स होगा वह क्या होगा, सेम होगा, और वन जो फिगर्स होगा वो डिफरेंट होगा। इसी को हम बोलते हैं ऑड एंड ऑड मैन आउटपुट। जैसे इसमें आप देखिएगा तो क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट में, यहाँ पी क्यू आर एस है, तो सब में देखिएगा पी क्यू आर एस, ये सब में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है एक्सेप्ट वन। तो ये हमारा जो वन है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं इसमें जो दिया है क्लॉकवाइज दिया है पी क्यू आर एस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें आप देखिएगा यहाँ पे सर्कल 3 दिया है और सभी ट्रेंगल जो है सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है ओनली एक्सेप्ट वन फिगर्स। जैसे डी में सी में है जो सेंटर की तरफ नहीं, डी जो फिगर्स है सेंटर की तरफ नहीं वो एंगल्स की तरफ कर रहे हैं, तो हमारा डी करेक्ट आंसर हो। इसमें देख रहे हैं आप लेटर बेस है, इसमें है लेटर बेस पे है, टी आई सी इसमें भी है, सी टी आई इसमें भी है, टी सी आई और टी सी आई इसमें भी है, बट इसमें एक ई लेटर है जो कि बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारा ये। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 है 3 है, 4 है 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 4 है, बट यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 3 ही है, 4 प्लस है, यहाँ पे 3 प्लस है, ये हमारा ए आंसर हो, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 5 से, यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया गया है जो कि 5 से 8 तक होगा। इसमें इस डायरेक्शन में बोल रहा है कि आपको 4 आंसर फिगर मिलेगा, जिसमें से ऑन द राइट साइड सेलेक्टेड आंसर फिगर विच एग्जैक्टली द सेम, जो क्वेश्चन फिगर आपका होगा उस चार आंसर फिगर का 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उस ऑप्शन फिगर के सेम होगा क्वेश्चन फिगर का जो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप ध्यान से इस फिगर को देख सकते हैं, इस फिगर को आप देखिएगा तो एग्जेक्ट ऐसा फिगर हमें कहाँ, कौन सा फिगर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सेम एग्जेक्ट ऐसे जैसा है, तो बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर होगा वो कौन होगा, डी होगा। 6 में आप देखिएगा तो 6 में एग्जेक्ट जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी है। 7 फिगर में देखिएगा तो ये देखिए ये 4 डॉट 4 डॉट और इधर मल्टीप्लाई ऐसे करके है, ऐसा फिगर हमें किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो सेम क्वेश्चन फिगर के जैसा हमें देखने को मिल रहा है, तो बोल सकते हैं कि कुछ जो 7 का जो हमारा आंसर होगा ये कौन होगा, सी होगा। फिर 8 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो 8 नंबर में आप देख रहे होगा एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल्स के इंटरनल्स में हैच है, और ऐसा सेम फिगर जो आपको देखने को मिल रहा है वो आपको किसमें मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर बी में मिल रहा है आपको, तो सॉरी ये नहीं आपका सी होगा, क्या होगा, सी होगा, जो कि सेम क्वेश्चन फिगर के जैसा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे फिर डायरेक्शन दे रखा है जो क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक होगा। इसमें कह रहा है कि आपको जहाँ पे ब्लैंक मार्क क्वेश्चन मार्क्स है वहाँ पे कौन सा है 4 आंसर फिगर में से जो फिगर आएगा जो इस डायग्राम्स को कंप्लीट करेगा, क्या करेगा, इस डायग्राम को कंप्लीट करेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें अगर हम क्वेश्चन जो डी है, जो डी फिगर है इसको अगर हम यहाँ पे प्लेस करें तो एग्जेक्ट ये पूरे जो पैटर्न्स है इसको फुलफिल करेगा, कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, 10 में हम लोग देखेंगे कि एक मल्टीप्लीकेशन है प्लस प्लस है, ऐसा सेम एग्जैक्ट फिगर आपको देखने को मिल रहा होगा
एग्जैक्ट फिगर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ मल्टीप्लीकेशन है प्लस प्लस माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है प्लस प्लस, मल्टीप्लीकेशन है प्लस प्लस माइनस है, जो कि आपका बी करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आप एलेवेंथ में देखोगे तो एलेवेंथ को पैटर्न फिल करने के लिए, जैसा कि आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे, सेम ऐसा पैटर्न आपको नीचे चाहिए जो कि हमें फिगर नंबर बी में मिल रहा है। क्वेश्चन फिगर में यहाँ पे देखिएगा तो एग्जैक्ट ऐसा जो फिगर्स हैं हमको किसमें मिलेगा, जैसे आप ऐसे देख सकते हैं और ऐसे आप फिगर बनाइएगा तो एग्जैक्ट फिगर नंबर सी जो कि हमारा एक करेक्ट। चलिए दोस्त हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन नंबर 13-16 है, यहाँ पे आप पढ़िएगा, कह रहा है कि देयर आर थ्री क्वेश्चन फिगर्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड द स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर इज लेफ्ट ब्लैंक्स। द क्वेश्चन फिगर आर इन अ सीरीज, फाइंड आउट वन फिगर फ्रॉम अमॉन्ग द आंसर फिगर गिवन ऑन द राइट साइड विच ऑक्यूपाइज द ब्लैंक स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर ऑन द लेफ्ट साइड एंड कंप्लीटेड द सीरीज इंडिकेटेड योर आंसर बाय द डार्किंग द सर्कल द ओमार शीट, मतलब कि ओमार शीट पे आपको जो आंसर होगा उसको डार्किंग करना रहेगा। इसमें आप देखिएगा कि इस पैटर्न के आधार पे जो हमारा क्वेश्चन मार्क्स है वहाँ पे आंसर फिगर में से कौन सा फिगर आएगा, जो आंसर फिगर में से क्वेश्चन मार्क्स पे जो फिगर आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक एरो था, फिर दूसरा एरो डाला गया और एक डिफरेंट फिगर्स डाला गया, फिर आपने देखा एक एरो है और इसको जो डाला गया था उस फिगर्स को क्या किया गया, रोटेट कर दिया गया, मतलब डायरेक्शन अपोजिट कर दिया गया। फिर आप देखिएगा इसी प्रकार से इसमें देखिएगा कि ऐसा फिगर सेम तो दिख रहा है और एक ऐड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐड हुआ था तो यहाँ पे भी एक क्या होगा ऐड होगा, इस प्रकार से जो हमारा बी है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करेंगे। 15 पे देखिएगा तो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, कौन सा रोटेशन हो रहा है, देखिए एक फिगर दिया हुआ था, इस फिगर को हमने क्या किया एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया, क्या किया एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया, फिर इस फिगर को भी इन्होंने क्या किया एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो फिर से यहाँ पे जो हमारा एंटी क्लॉक रोटेशन होगा इस प्रकार रोटेट करके जो फिगर बनेगा वो फिगर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये पैटर्न्स दे रखा है, पैटर्न में देखिएगा तो जो मिडिल में था वो सेकेंड में क्या हो गया अपर में चला गया, इसी पैटर्न को हमें भी फाइंड आउट करना है, और जो देखिएगा लास्ट में है, जो लास्ट में है वो मिडिल में चला गया, मतलब जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो रहा है और जो फर्स्ट में था वो लास्ट में आ गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे फर्स्ट में जो है वो लास्ट में आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में और एक ही में आ रहा है, तो यहाँ से हमारा आंसर जो है फाइंड आउट हो जाता है कि हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा बी होगा, और आप बीच मिडिल वाले देख भी सकते हैं कि अपर गया है, प्रकार से इसका आंसर हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 16 में आप देखोगे, 16 में क्या हो रहा है कि एक ऐसा पैटर्न दे रखा है और इस पैटर्न में क्या हो रहा है कि इस पैटर्न को रोटेशन कर रहा है और नेक्स्ट पैटर्न ऐड होते जा रहा है, इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक पैटर्न यहाँ ऐड हुआ फिर कैसे ऐड हुआ और ये डायरेक्शन आगे बढ़ते जा रहा है, इस प्रकार से जो नेक्स्ट में आएगा ये तो अपर चला जाएगा और यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम्स आ जाएगा, इस प्रकार से हम देखेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा करेक्ट आंसर। चलो दोस्तों अब नेक्स्ट स्लाइड, इसमें देखिएगा आप तो डायरेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 17 से 20 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, इसमें कह रहा है कि देयर आर टू सेट्स ऑफ टू क्वेश्चन फिगर्स इच द सेकेंड सेट हैज द इंट्रोगेशन मार्क्स देयर एग्जैक्ट अदर रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पे एक रिलेशन होगा, मतलब इस दोनों में जैसा रिलेशन होगा वैसे ही फिगर हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा ताकि इन दोनों में भी क्या हो रिलेशन बैठ पाए और जो रिलेशन बनेगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिगर ऐसे था, इसको क्या किया गया अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, इसको भी अपोजिट, तो हम भी वही करेंगे, इसको हम क्या करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, जैसा कि इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो हमको एक मिल रहा है, लेकिन ऐसा दो में ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसा हमें मेरे
आंसर होगा कौन होगा सी। अब देख रहे हैं यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसमें आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 19 में, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो रहा है कि जो शेडेड रीजन्स है, क्या शेडेड रीजन्स है उसको क्या किया गया है, यहाँ पे फिगर बना दिया गया। उसी प्रकार से इस फिगर में भी हम देखेंगे जो ये शेडेड ट्रायंगल्स आपको दिख रहा है उस ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, जो कि ये ट्रायंगल सेम हमारा कैसा बनेगा बी के जैसा बनेगा, तो जो हमारा बी होगा ये क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखिएगा जरा क्वेश्चन फिगर दिया, जैसे यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस दिया हुआ था इन द सर्कल, सर्कल के अंदर दो लाइन खींचा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि सर्कल को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और चार डॉट डॉट मतलब चार सर्कल और दे दिया गया उसके अंदर छोटे छोटे। इसी प्रकार से आप इस फिगर में देखिएगा तो एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल्स है और रेक्टेंगल्स में दो लाइन दो किए गए, तो हम क्या करेंगे रेक्टेंगल्स को फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और एक रेक्टेंगल बनाएंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा फिगर नंबर 18 का जो हमारा आंसर होगा कौन सा होगा कौन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 जो कि 19 हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे होगा। इसमें आप देख रहे हैं बी और बी का अपोजिट है मिरर इमेज है, इसी प्रकार ई और ई का मिरर इमेज के साथ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन जो कि फिगर कंप्लीटेशन, ये फिगर कंप्लीटेशन से रिलेटेड है, आप इसमें देखोगे जो कौन सा आंसर फिगर में से हम यहाँ पे डालेंगे जो एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना लेगा, क्या ज्योमेट्रिकल जैसे कि सर्कल रेक्टेंगल ये सारे फिगर्स बना पाए, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम क्या कौन सा इस फिगर में से उठा के रखे जो एक ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होइएगा इसमें कौन सा फिगर रखेंगे, आपको ए और बी दोनों सेम लग रहा होगा बट आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे बी को इधर का साइड क्या है बड़ा, क्योंकि इधर बड़ा फिट करना है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा कौन होगा कौन होगा। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर कोई डाउट हो तो फिर आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे जो एक कंप्लीट फिगर ए बन पाएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा जो हमारा आंसर होगा वो कौन हो सकता है, आंसर हो सकता है हमारा ऑप्शन नंबर, जैसे इसमें आप देखिएगा तुम्हारा कौन सा आंसर हो सकता है, जैसे ध्यान से देखिएगा आप तो जो हमारा आंसर नंबर सी है वो हमारा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जैसे मिरर इमेज आप लोग मिरर इमेज में क्या होता है जो लेफ्ट होता है वो राइट दिखता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखता है, इस प्रकार से आप देख सकते हो, आपको लेटर सीरीज पता होगा कि बी का जो अपोजिट कैसे बनेगा वो सब, इस हिसाब से हम मिरर इमेज में देख सकते हैं जो बैंड है, क्या बैंड लिखा हुआ है सबसे पहले डी, डी अपोजिट बनेगा उल्टा एन, इस हिसाब से मेरा ए जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 26 में एक रेक्टेंगल है और ट्रायंगल है, तो सबसे पहले जो स्क्वायर है वो इधर बनेगा, स्क्वायर इसमें इधर बन रहा है, ट्रायंगल इधर बन रहा है, बट इसमें ऐसा है जो कि ऐसा नहीं होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 देखिएंगे, 27 में ऐसे ऐसे करके ऐसे है फिगर, तो ऐसे आएगा ऐसे में आएगा ये भी सेम आएगा, और इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जो कि क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं कि ट्रायंगल्स हैं, इस प्रकार से ए डायग्राम से आपको दिख रहा होगा ए ट्रायंगल्स है, तो ट्रायंगल्स आएगा यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स है तो दो ट्रायंगल्स इधर आएगा, लेकिन ट्रायंगल का डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ए डायरेक्शन इधर है तो डायरेक्शन इधर होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि इस फिगर में ए डायरेक्शन इधर है बट ए इधर है तो ए इधर होगा क्योंकि दोनों मैच कर रहा है, और एरो का जो डायरेक्शन है नीचे है तो एरो का डायरेक्शन तो सेम होगा नीचे होगा और अपर होगा, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 29 से 32 तक होगा, इसमें आपको क्या करना है एक फिगर कटिंग पेपर कटिंग से रिलेटेड है, पेपर में पेपर को फोल्डिंग फोल्ड किया जाएगा और उसमें कुछ कट लगाया जाएगा और फिर ओपन करने के बाद वो पेपर कैसा दिखेगा
इस टाइप का आप में से क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 में है, एक सर्कुलर पेपर था। कैसा पेपर था? एक सर्कुलर पेपर था। उसको सबसे पहले हाफ फोल्ड किया, हाफ फोल्ड करने के बाद फुल फोल्ड किया, फिर उसको हाफ किया, फिर हाफ करने के बाद इसमें दो तीन सर्कल ड्रॉ किया गया। तो जब हम इस तीन सर्कल को ओपन करेंगे तो यहाँ भी तीन सर्कल आएगा, यहाँ भी तीन सर्कल आएगा, यहाँ भी तीन सर्कल आएगा। और इसको जब ऐसे ओपन करेंगे तो इधर भी अब टोटल सिक्स सर्कल हो गया छोटे छोटे, इधर भी सिक्स सर्कल हो जाएगा। इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होगा। 31 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा ध्यान से, जो इस प्रकार से आपको दिख रहा है, पहले एक रेक्टेंगल पेपर लिए, उसको मैंने क्या किया, हाफ फोल्ड किया, फिर हाफ फोल्ड को फिर से फोल्ड किया और फिर फोल्ड किया। स्क्वायर साइज का पेपर था। अब इसको हम ओपन जब करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मिरर लगा देंगे। क्या लगाएंगे? मिरर लगाएंगे और इससे हम देखेंगे कि कैसा इमेज बनेगा। तो आपको ये सी जैसा इमेज मिलेगा जब पूरे पेपर को ओपन करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 पे आप देखिएगा कि एक स्क्वायर साइज का पेपर है, इसको क्या किया गया, सबसे पहले एक ट्रेंगल्स में डायगोनल से फोल्ड किया गया, फिर इसके डायगोनल से फोल्ड किया गया और यहाँ पे कट लगाया गया, जो कि हमारा इसका ओपन करने पे आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो एक रेक्टेंगल शेप साइज का सॉरी स्क्वायर साइज का पेपर था, जिसको मैंने क्या किया, हाफ फोल्ड किया, फिर जो मिला रिजल्ट में उसको भी फैन हाफ फोल्ड किया और ऐसे एक कट लगाया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये ऐसे है, इसका जो इमेज है इधर बनेगा ऐसे, फिर ये दो इमेज बनेगा और दो इमेज को इधर कीजिएगा तो ऐसे बनेगा। इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, जो होगा हमारा वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 33 to 36 है, इसमें आप डायरेक्शन देखिएगा तो ये दे रखा है कि आर गिवेन ऑन द राइट साइड, सेलेक्ट द आंसर फिगर विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द कट आउट पीसेस। ये विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है। जो कट पार्ट दिया हुआ है इससे आप कौन से एक कंप्लीट ज्योमेट्रिकल फिगर्स बना पाइएगा। जैसे इस पे हम मार्किंग करके इस फिगर को अच्छे से बना सकते हैं। जो क्वेश्चन फिगर दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, नंबर के फॉर्म में मार्क कर लेंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे मार्क कर लेंगे और देखेंगे कि ऐसा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको इसमें फॉर्म होते हुए दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 34 में देखिएगा तो फिर आप ऐसे मार्क कर सकते हैं और मार्क आप कीजिएगा तो जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा वो आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट मिलेगा। जैसे आप मार्क कीजिएगा तो इसमें बी में आपको दिख रहा होगा, तो बी हमारा क्या होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 में फिर आप देखिएगा, फिर आप नंबर 1 2 मार्क कर लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे मार्क कर लीजिए और आप ध्यान से देखिएगा तो जो 35 नंबर्स पे होगा वो हमारा क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट आंसर है वो हमारा राइट आंसर। 36 में फिर उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, नंबर देके मार्क करेंगे। क्या करेंगे? नंबर देके मार्क करेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, फिगर्स में अरेंज करेंगे तो आप देख पाएंगे कि क्या हो रहा है, जो हमारा ए है वो करेक्ट फिगर बन रहा है। चलिए दोस्त नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 से 40, जो कि आपका लास्ट है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होगा। इसमें कह रहा है क्वेश्चंस में कि आर गिवेन ऑन द राइट साइड, सेलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर्स इन हिडन एम्बेडेड। मीन्स क्या कि जो आपके क्वेश्चन फिगर में दिख रहा है वो किसी आंसर फिगर में क्या होगा, हिडन होगा, सेम फिगर हिडन होगा। उस फिगर को हमको क्या करना रहेगा, नोट करना रहेगा। जिस आंसर फिगर में आपको ऐसा क्वेश्चन फिगर हिडन दिखे वही हमारा क्या होगा, क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। जैसे आप देख रहे हैं 37 क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि ए जो हमारा है ऐसा है, तो हम ऐसा फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा फिगर हमें किस में दिख रहा है। तो ध्यान से देखेंगे हम, हमें ए में कुछ ऐसा फिगर दिख रहा है क्या, 37 में जो ए में है ऐसा हमें कुछ फिगर दिख रहा है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि 37 का जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा आंसर होगा, ए होगा।
38 में आप देखिएगा एक भी बन रहा है। तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो जो भी है वो क्लियर दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर ए में, जो कि आंसर फिगर का ए फिगर है, इसमें आप क्लियर देख पाइएगा कि यहाँ पे क्या है, भी जैसा सेम। तो ये हमारा क्या होगा 39 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सीडी का लेटर बी है, बहुत ईजी है। देखिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें बी बी आपको किसमें दिख रहा है, इसमें आपको बी जैसा स्ट्रक्चर, जो कि बिल्कुल सही है आपका 39। लास्ट क्वेश्चन है 14। मेंटल एबिलिटी में आपका टोटल 40 क्वेश्चन होगा, पहले भी मैंने बताया आपको। आप देख सकते हैं 40 का लास्ट क्वेश्चन है। अब पैटर्न देखिएगा तो पैटर्न इस प्रकार से है। तो ऐसा पैटर्न हमें देखना है कि ये किस फिगर में है, सेम एग्जैक्ट ऐसा पैटर्न किस फिगर में है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो ऐसा पैटर्न आपको बी में देखने को मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे होगा कि इस प्रकार से एक ऐसा पैटर्न है, ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, फिर ऐसा बन के फिर हमारा जो होगा करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई पूछना हो तो आप कमेंट में। थैंक यू।